गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने 15 तक कर लिए थे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर, 1-3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखो स्क्वायर में फॉर्मूला बनाएंगे फिर टफ पड़ेगा, इससे अच्छा अपन क्यूब वाला कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। तो यहां अपन क्या लिखें, क्यूब बनाना है तो अंदर क्या करेंगे, देखो 6 के लिए अगर अपन को ऊपर 3 चाहिए तो अंदर 2 होना चाहिए पावर में, तो 2 × 3 6 बन जाएगा। तो अपन क्या लिखें यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इसका क्यूब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ये हो जाएगा अपने साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नया ब्रैकेट आगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, ये हो गया 1। अंदर देखो इन होल स्क्वायर को मैं 5 में लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था वो पावर 4 वाला, तो उसमें अपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ से अपन ने क्या किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ देखो वापस अपनी वही कंडीशन बनी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पीछे क्या पड़ा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस का 2 ये माइनस का 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर 2 और 1 ये हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 17 अभी अपन 20 के साथ करेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 और 17 दोनों के दोनों सेम दे रखे हैं, सिर्फ लास्ट के दो स्टेप जो है वो अलग होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो ये कैसे होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, ये दे रखा है, पहले इसको लिख देते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ अपन लिख देते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस इसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस कॉट की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो ये बनेगा साइन थीटा ब्रैकेट में देखो एक का भाग दिया कॉस में, कितनी बार कॉस बार, कॉस इंटू एक कितना हो गया, ये हो गया अपना कॉस थीटा प्लस कॉस का भाग कॉस में एक बार, एक इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने साइन थीटा प्लस यहाँ क्या रहेगा कॉस थीटा, यहाँ लस अप आएगा अपना साइन थीटा। अब देखो एक का भाग दिया अपन ने साइन में कितनी बार, साइन बार, साइन इंटू एक कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस यहाँ पर साइन का भाग साइन में एक बार, एक इंटू कॉस कितना हो गया, ये हो गया अपने कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन निकाल ले पूरा, तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पर साइन बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब एलसीएम ले वापस, जब एलसीएम लेंगे अपन तो ये बार वाला सेम रहेगा, अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, पीछे बचा साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, पीछे कितना बचा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वन, तो ये बनेगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू यहां पर वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आगे दे रखा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये साइन से साइन कट गया, इधर कॉस से कॉस कटेगा, क्या बनेगा यहाँ पर आ गया एक बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे एक बटा साइन थीटा,
क्या हो जाएगा, एक बटा कॉस को अपन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन सेक थीटा, सेक थीटा प्लस एक बटा साइन की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। अपना हो गया प्रूव बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, जिसको अपन को किसके बराबर सिद्ध करना है, सेक थीटा के। तो सेक थीटा के बराबर कैसे होगा, देखो यहां पर देखो, इसमें कॉस थीटा दिया हुआ है एक, लास्ट वाली टर्म पूरी कॉस क्यूब थीटा, तो अपन इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें, एक कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मैं पास में लिख देता हूं इसके, प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस यहां पर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉस कॉमन आ गया एक, तो ये कॉस थीटा कॉमन आ गया, पीछे क्या बना, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब में से एक कॉस को अपने कॉमन निकाल लिया, मतलब तीन कॉस में से एक कॉस कॉमन, पीछे कितने बचे, दो कॉस, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या रहेगा आगे, टेन को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में ये साइन थीटा, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, प्लस साइन इंटू साइन कितना, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यहां तक ठीक है। अब क्या करें, इधर सिंपल सा कॉस थीटा दे रखा है, इधर भिन्न में दे रखा है साइन स्क्वायर बट्टा कॉस, अपन यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां एलसीएम आएगा कॉस थीटा, अब इसके बट्टे में कितना दिया हुआ, एक, तो एक का भाग दिया कॉस में कितनी बार, कॉस बार, कॉस गुणा कॉस कितना हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का भाग कॉस में कितनी बार, एक बार, एक इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।